ये जो बाहर से नाप करने की आदतें हैं, इससे बहुत नुकसान ये भी होता है कि जब हम दूसरे को जिस दृष्टि से देखते हैं उसी दृष्टि से फिर अपने को भी देखते हैं। समझ में आया ना? आप दूसरे को जिस नज़रिए से देखोगे आप अपने को भी देखोगे ना, स्वाभाविक है, क्योंकि तरीका ही है। अगर आप अपने को पैसे से देखते हो तो दूसरे को भी कैसे नापोगे? पैसे से। अगर आप अपने को पढ़ा लिखा देखते हो तो दूसरे को कैसे नापोगे? पढ़ाई लिखाई से। अगर आप अपने को पंडित देखते हो तो दूसरों को कैसे नापोगे? स्वाध्याय से, कि कितना ज्ञान है। अगर आप क्रियाकांड करते हो और उसमें उपाधेय बुद्धि है तो दूसरों को कैसे नापोगे? क्रियाकांड से। ये है ही तरीका, संसारी है। अगर अपने को भगवान देखोगे तो दूसरे भी भगवान दिखेंगे। तो जब हम अपने को भगवान नहीं देखते तो दूसरे को भगवान कैसे देखेंगे? देखेंगे, हम प्रतिमा में भगवान देखने की कोशिश करते हैं जहाँ है ही नहीं। क्या कहा मैंने? प्रतिमा में भगवान है, जो प्रतिमा है उसमें भगवान है, है? नहीं है भगवान, जड़ है प्योर। ये तो हमने और आपने मान्यता रख दी है कि मान लो आकार बना लिया वैसा, ख्याल में है तो नहीं ना, लेकिन मेरे अंदर भगवान है कि नहीं? मेरे अंदर कोई आकार है क्या? मेरे अंदर रियल भगवान है कि नहीं? अरे बोलो, मुझ में नहीं दिख रहा तो मैं भगवान। जहाँ है, जहाँ सब क्रियाएं हो रही, हाथ पैर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? ये हाथ पैर चलना किस बात की निशानी है? ऐ कि इसके अंदर भगवान है, ये जीव है, इस बात की नहीं? भगवान के हाथ पैर चल रहे हैं? ऐ कुछ हो रहा वहाँ? तो वो तो वास्तव में जड़ है। तो जड़ में तो ये भगवान देखता है, उसमें तो कोशिश करता है कि भगवान है, भगवान उनके ऐसे से करता है, और ये स्वयं भगवान है, इसको इसकी मेहमानी आती है। महावीर भगवान, हाँ हाँ हाँ, वही तो, वो उस पूजा का निषेध नहीं, लेकिन वहाँ भगवान देख सकते हो तो भैया जीते जागते जीव में भगवान क्यों नहीं देखते? अंत समय तो माँ तो भगवान देखने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ साक्षात भगवान है। अरे अपन झूठे भगवान थोड़े ही हैं। अरे दुनिया में तुमने देखा नहीं कि लोग पूजा, फोटो की पूजा करते अपने बाप की, अपने माँ बाप की? अबे माँ बाप जब जिंदा रहते हैं तो कभी ढंग से उनकी तरफ देखते नहीं। देखा संसार का स्वरूप तुमने? नहीं देखा? अरे पुण्यतिथियाँ आएंगी, ये करेंगे, वो करते कि नहीं करते? अबे जब जिंदा है बिल्कुल साक्षात, फोटो में तो नहीं है ना मम्मी पापा, फोटो में है? अच्छा है क्या? फोटो में मम्मी पापा तो नहीं है ना, प्योर अचेतन है ना? हाँ साहब, उस फोटो को देख देख के हमारे पापा ऐसे थे, हमारे बाबा ऐसे थे, हमारे ये थे, हमारे वो थे, करते ना? अबे भैया वो जब साक्षात थे तब के, तब तो हम दो मिनट बाद भी नहीं करते थे। ऐसे ही तो हमारी आदत है, हम बहुत बिल्कुल विपरीत बुद्धि से चलते हैं। साक्षात भगवान अभी जिंदा है, इस भगवान की मेहमानी आ रही है। वो भगवान जो हमने खुद बनाया है, ये प्रतिमा किसने बनाई? ऐसे सच्चाई तो यही है ना, जैन ने भी नहीं बनाई। आपको पता है ये प्रतिमा किसने बनाई? जिस प्रतिमा को देख के आप इतने प्रसन्न होते हो, कितनी भी ये वितरागता किसने बनाई? हैं, किसने बनाई? कारीगर ने। और वो कारीगर हिंदू था कि जैन था? मोमडन, जिसे तुम्हारी वितरागता का आधे रुपए का ज्ञान नहीं, आधे रुपए का, उसे क्या पता वितरागता क्या होती है? लेकिन वो वितरागता बना रहा है और तुम उसकी बनाई हुई वितरागता में वितरागता देख रहे हो। उसकी, किसकी? जो वो शाम को शराब पी लेता है, जिसे कुछ नहीं पता, लेकिन वो तो कलाकार है बस, उसको तो कलाकारी आती है, उसको तो एक प्रतिमा दिखा दी ऐसे बनानी, वो बनाता चला जाता है, उसको फिर कोई दिक्कत नहीं है, फोटो कॉपी करनी है उसे। लेकिन हम देखो कितने मूर्ख हैं, हम जो वितरागता को जानते हैं, जिस वितरागता की चर्चाएं करते हैं, हम खुद एक प्रतिमा नहीं बना सकते, है ना कला?
और सुनो वो ही प्रतिमा तुम वहां से ले आए, वो क्या है सच्चाई। देखो सच्चाई तो यही है, अब चाहे तुम उसको छुपा लो चाहे मत छुपाओ, सच्चाई है कि नहीं। वहां 10-5 हजार रुपये दिए, खरीद लाए, खरीद के क्या किया तुमने, क्या किया तुमने, खुद भगवान बनाए कि भगवान बने बनाए थे, ये भगवान हमारे बनाए हुए हैं कि भगवान बने बनाए थे, हमने बनाए पंचकल्याणक में ले गए, वहां पर प्रतिष्ठाचार्य को दे दी कि हमारी 10 हजार की प्रतिमा पकड़ो और इसकी शुद्धि करो, मंत्र उच्चारण करके इसकी प्रतिष्ठा करो और दे दो। उनने क्या किया आपको पता है, किसी को कुछ नहीं पता, इस सच्चाई में बता देता हूँ मैं तो सबको बहुत बुरा लगता है, ये सब ठटकरम जितने भी होते हैं इसलिए होते हैं कि तुम्हें भरोसा आ जाए कि ये भगवान बन गए और कुछ नहीं। अगर वो ही प्रतिमा डायरेक्ट ला के रख देंगे ना तो तुम्हें भरोसा नहीं आएगा, तुम्हें भाव नहीं आएगा। और वही होता ही है ना हमारे साथ, कितने बार अपन मंदिरों में जाते हैं और पहले उस प्रतिमा के दर्शन कर लेते हैं, खूब भावों से चावल चढ़ा देते हैं और बाद में कोई पीछे से आके कहता, वो तो कहता खट्टे थे, कहाँ क्या हुआ भैया, क्या फर्क पड़ गया, खंडित हो गई तो आफत आ गई क्या, अरे अब नहीं कर सकते, होता है ना। तो ये कैसे, किसने सिखाया तुम्हें कि ये तुम्हें बचपन से मान्यता में भर दिया गया कि भाई खंडित प्रतिमा को नहीं पूजना, बात खत्म हो गई, अब तुम्हें खंडित प्रतिमा भगवान नहीं दिखेगा। जबकि क्या बदल गया, जबकि तुम्हें उसका खंडपना तो दिख ही नहीं रहा था क्योंकि उसका तो जरा सा अंगूठा टूटा था, अब वो दिख नहीं रहा, चेहरा तो वैसा ही का वैसा है। अब मुझे बताओ अब क्या हो गया, इसका लॉजिक है कि तुम्हारी मान्यता से काम चलता है। ये जो पंपलेट वगैरह होते हैं भगवान की, जो फोटो लगी रहती है, जो अपन घर में लगाए रहते हैं, उनको अपन भगवान नहीं देख पाते, जबकि उसमें कोई अंतर है क्या। अरे भाई वो पंपलेट में जो महावीर बजे बने आचार्य, इनमें कोई अंतर है क्या, अभी प्रतिमा बना दो लेकिन हम इसमें नहीं देखेंगे, क्यों कि वो हमारी मान्यता होती कि प्रतिष्ठा हो जाए। पंचकल्याणकों में लोग जाते ना पीछे, गए होंगे जैन साहब, गए कभी तो वो पीछे देखे आपने, तो देखो कितने सारे भगवान बैठे थे, उसमें कोई भगवान देखने को राजी नहीं है, ऐसे करके देखते सब लोग। और वो ही उनने मंत्र पढ़ते, मंत्र पता है तुम्हें क्या पढ़ते, इस पर लड़ाई चलती रहती है सूर्य मंत्र, ख्याल में आया कि नहीं आया, वो सूर्य मंत्र पढ़ते हैं, है हो गए भगवान बन गए। तुम्हें भगवान किसने बनाया, किसने बनाया, तुमने बनाया, चलो दूसरे तुम्हें किसने बनाया, है कोई दुनिया में तुम्हें बनाने वाला, तुम अनादिकाल का असली भगवान तो तुम हो। अरे भगवान का असली स्वरूप क्या है, जो अनादि अनंत नित्य एक शुद्ध, तो बताओ वो प्रतिमा अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक है क्या, है अनादिकाल से थी, अनंत काल रहेगी, ऐसा है क्या उसका स्वरूप, बोलो है नहीं है ना, आप भी 100% जानते नहीं है ऐसा। अब क्या करोगे, अभी क्या करोगे, अब कोई उत्तर है तुम्हारा आपके सही तो बात। अरे भाई ये तो तुम्हें इसलिए आकार बनाए थे, इसलिए प्रतिमा का स्वरूप समझाया था कि इनको देख के तुम असली चेतन को देखो,